आप देख रहे हैं एलएन न्यूज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामी नए साल के मौके पर तहरीक सदाए हक अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी तैबा मस्जिद रहमानिया कॉलोनी में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह 10 बजे से ये कैंप जारी है, जिसमें नौजवान हजरात जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी जो है तकरीबन 50 के करीब जो है नौजवानों ने अपना ब्लड डोनेट कर दिए हैं। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए, इस चैनल के ज़रिए, जहां तक ये वीडियो पहुंच रही है, मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि आप इस कैंप में तशरीफ़ लाएं। तहरीक सदाए हक के ऑफिस पर तैबा मस्जिद के पीछे रहमानिया कॉलोनी में कैंप जारी है। जल्द से जल्द नौजवान हजरात तशरीफ़ लाएँ। ये कैंप इंशाल्लाह शाम में 7 बजे तक जारी रहेगा और ये तमाम ब्लड जो भी यहाँ पर जमा हो रहा है वो इंशाल्लाह घाटी दवाखाने में जमा किया जाएगा और यहाँ से जो भी ज़रूरतमंद गरीब मरीज़ होते हैं उनको जो है कार्ड दिए जाते हैं, फ्री में जो है घाटी दवाखाने से ब्लड दिया जाता है। तो मैं नौजवानों से फिर एक मरतबा अपील करूँगा कि यहाँ पर जल्द से जल्द तशरीफ़ लाएँ और अपने खून का अतिया देकर किसी गरीब ज़रूरतमंद मरीज़ की जो है जान बचाने का काम करें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे उलमाए किराम शहर जलगांव से और देवगढ़ रंगारी से, सिल्लोड़ वगैरह से आए हुए हैं। तो यह एक बहुत बड़ी जो है हमारे लिए फ़ख्रिया बात है कि ऐसे दूर दूर से जो है दूर दराज से उलमाए किराम और नौजवान तशरीफ़ ला रहे हैं। तो जो करीब के नौजवान हैं हमारे अतराफ के, रहमानिया कॉलोनी, किराड़पुरा, रोशन गेट, आज़ाद चौक, नारेगांव, तो मैं उन तमाम नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द ब्लड डोनेशन कैंप में तशरीफ़ लाकर अपने खून का अतिया दें और गरीब ज़रूरतमंदों की जो है मदद फरमाएं। आज इतना रहमानिया कॉलोनी मध्ये रक्तदान शिबिर सुरू आहे। आतापर्यंत 55 डोनर झालेले, यांनी जसं रक्तदान शिबिर आयोजित केलं तसंच शहरातील इतर भागातील नागरिकांनी सुद्धा असं रक्तदान शिबिर आयोजित करून जास्तीत जास्त रक्तदान करावं, ज्याच्यामुळे आपल्या घाटीमध्ये जे ॲक्सिडेंटचे गरीब महिला येतात, प्रेग्नेंट वुमन असतात, त्यांना ब्लड लागतं, ते गरज पूर्ण होईल। आपल्याकडे रक्ताचा नेहमी तुटवडा भासत असतो, कमी पडतं, जेवढं लागतं तेवढं मिळत। जास्तीत जास्त माझं आवाहन आहे नागरिकांना की जास्तीत जास्त लोकांनी रक्तदान करून घाटी हॉस्पिटलला सहकार्य करावं। धन्यवाद।